तो ये नया चैप्टर नहीं, काइनेटिक थ्योरी थर्मोडायनेमिक्स दोनों साथ में चल रहा है। ठीक है, तो आपकी जो हेडिंग डलेगी यहाँ पर, दैट इज़ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। नहीं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के पहले मैंने क्या बताया, पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये लिख लो, पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पहला पॉस्टुलेट। कर दिया शुरू? ठीक है, पॉस्टुलेट्स। सबसे पहला, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ये तो अपन ने उसमें पढ़े थे केमिस्ट्री वाले ही, सेम है। केमिस्ट्री के हैं क्या तुम्हारे पास लिखे हुए अभी? मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस केवल सुन लो। पहला क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ठीक है, वो सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं सारे रिस्पेक्ट में, जैसे मास, शेप, साइज, ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम। ठीक है, सेम गैस के, जैसे O2 के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, अपन उसमें डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे। O2 और N2 इनके मॉलिक्यूल अलग होंगे, पर O2 की बात करेंगे, सेम होंगे। दूसरा, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन रेंडम मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। मॉलिक्यूल्स क्या है, कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, और इनकी वेलोसिटी कैसी देन है, जैसे अगर मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली रनिंग है, इसका मतलब है एक कुछ वेलोसिटी म्यू चलेगी, जो कि म्यू एक्स आई कैप प्लस म्यू वाई जे कैप प्लस म्यू जेड के कैप, इस तरीके से कुछ वेलोसिटी इनकी बनेगी। मतलब एक मॉलिक्यूल एक्स में भी चल रहा है, वाई में भी चल रहा है, जेड में भी चल रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन में चलेगा। मतलब इनके मोशन को इन्होंने क्या माना है, स्ट्रेट लाइन। मोशन को क्या माना है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जितना ये एक्स में चलेगा उतने ही वेलोसिटी से ये वाई में भी जा सकता है, और उतनी ही वेलोसिटी से ये जेड में भी जा सकता है। तो यहाँ से ये लोग मानते हैं कि म्यू एक्स इज इक्वल टू म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू नहीं है यू यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू जेड। इन तीनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, बराबर रहेगी अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा मॉड ऑफ यू क्या निकलेगा, मॉड ऑफ यू क्या निकलेगा, यहाँ से निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर। यही करते हैं अपन वेक्टर में मॉड निकालने के लिए, आई जे के की टर्म का स्क्वायर करके रूट लगा देते हैं। ठीक है, ये मॉड ऑफ यू है। अब यहाँ पे जितना एक्स है उतना वाई है उतना जेड है, तो हम यहाँ पर यू एक्स यू वाई यू जेड तीनों को यू एक्स रख देते हैं, तो ये भी यू एक्स का स्क्वायर, ये भी यू एक्स का स्क्वायर, और ये भी यू एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से जो मॉड यू रहता है, तो वेलोसिटी जो आती है हमारी वो 3 टाइम्स ऑफ यू एक्स के स्क्वायर के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, वैसे मैंने आपको जो पीडीएफ दिया उसमें है क्या, ये जो मॉलिक्यूल चलता है इधर उधर उधर, ये तीनों में एक ही वेलोसिटी से चलता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, इसलिए तीनों को इक्वल रख के प्लस हो गए तीनों। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, यू है, ठीक है, सारे यू है। All the collisions of a gas molecule, all the collisions of a gas molecules among themselves and with wall of a container is elastic in nature. Among themselves and with a wall. Among themselves. मतलब अगर कोई molecule है वो एक दूसरे में टक्कर खा रहा है ऐसा, या फिर ये दीवार पे टक्कर मार रहा है, दो टाइप के कोलिजन बताए गए हैं, एक मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल की टक्कर और मॉलिक्यूल से दीवार की टक्कर। ठीक है, ये दोनों इलास्टिक होते हैं नेचर में। ठीक है, इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन देखे थे हमने, मोमेंटम इज कंजर्व्ड और काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये ऐसे कोलिजन मानते हैं, मतलब टकराने के बाद की वेलोसिटी और टकराने के पहले की वेलोसिटी दोनों सेम ही रहेगी, उसमें लॉस ऑफ काइनेटिक, लॉस ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, तो
ऑल द कोलिजन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल अमंग देमसेल्व्स एंड विद इन द वॉल ऑफ अ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर विद इन अ एंड विथ अ वॉल ऑफ कंटेनर एंड विथ अ वॉल ऑफ कंटेनर इज इलास्टिक इन नेचर. चौथा पॉइंट the pressure of a gas is due to collision of molecule with wall of a container the pressure of a gas is due to collision of molecules with the wall of container. ठीक है, जो प्रेशर रहेगा वो मॉलिक्यूल के बराबर रहेगा एंड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन. ये लिख रहे हैं नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया लिखा है. ठीक है, इसमें तीन चार पॉस्टुलेट्स और हैं मेरे पास, वो पीडीएफ गया है अभी आपको इसमें गैप छोड़ दो तीन चार की ना, केमिस्ट्री वाला लिख लेना तुम, ये जो है एक स्कीप हो गया इसमें पीडीएफ में. नेक्स्ट हेडिंग डालो काइनेटिक गैस इक्वेशन. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है वो ऐसा है क्या इसमें क्या क्या है इसका इक्वेशन इक्वेशन नहीं है. मैंने लॉ ऑफ इक्विपार्टेशन ऑफ एनर्जी भी करवा दिया था क्या. काइनेटिक थ्योरी ऑफ हाँ ठीक है. बिहेवियर ऑफ गैसेस में देखो आपको एक हेडिंग बिहेवियर ऑफ गैसेस दे रखी है जिसमें सारे लॉज बताए हुए हैं. ठीक है, तो ये तो आपको मतलब पढ़ा हुआ है इसमें. नेक्स्ट है काइनेटिक गैस इक्वेशन. बाकी बचे हुए कुछ तीन चार और पॉस्टुलेट्स रह गए, यहाँ पर एक पीडीएफ मिस हो गई है. ठीक है क्या ये पॉस्टुलेट्स इसके आगे ही कंटिन्यूशन में. नहीं, मैंने जो लिखे हैं. अच्छा, ये जो वाला जो था ना अभी क्या पॉस्टुलेट्स ये तो डेरिवेशन है तुम्हारा. डेरिवेशन तो मैं करवा ही रहा हूँ. नहीं, मैं पॉस्टुलेट्स बता रहा था अपने पेज कहाँ है पॉस्टुलेट. ये हाँ, द शेप मॉलिक्यूल थ्री कॉन्सेंट्रेशन और मॉलिक्यूल अलाउ कोलिजन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ लाइन ऑफ अ गैस यूनिट वन. ये भी बता दिया था, शेप ऑफ अ पार्टिकल परफेक्ट द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर टेंडर मोशन द साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम देम. कुछ और पॉइंट है लिख लो. द साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल. द साइज ऑफ आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम. The size of gas molecule are very small as compared to the distance between them. जितने दो molecule की distance है ना उससे ज़्यादा उससे जो size है gas molecule की वो बहुत छोटी है. ठीक है, मतलब distance ज़्यादा है और उसकी size बहुत कम है. There is no next point. There is no concentration of molecule. There is no concentration of molecules at any point inside container.
देयर इज नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट एनी पॉइंट इनसाइड कंटेनर. तुमने ये स्कूल में लिखवाया, तुमको सब लिखवाए कि तुमने अलग से लिखे हैं? नहीं, थोड़े बहुत लिखवाए भी, थोड़े बहुत अलग से भी लिखे हैं. क्वेश्चन आंसर दिए थे? हाँ. तो ये मतलब इजी है. यहाँ पे तुम्हारे डबल डिवीजन हो जाएगा. अच्छा, ठीक है, चलो चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो. काइनेटिक गैस इक्वेशन. काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन इंटू वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना. मतलब मान के चलो कि आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले इसी को ही पढ़ना, ठीक है. पी यहां पर प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, एम मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस. एम क्या होता है यहाँ पर? ये लिख लो यहाँ पर. एम क्या होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस. एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा उतना एम होता है, ठीक है. और एन होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है. और म्यू आरएमएस क्या है? म्यू आरएमएस पे स्क्वायर लगा है, तो ये है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है? केवल म्यू आरएमएस है, स्क्वायर वाले को नहीं, स्क्वायर तो बाद में लगा है, ठीक है. रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. देखो म्यू आरएमएस लिखते कैसे हैं, ये आरएमएस आप ध्यान रखो क्योंकि आगे 12th में भी आएगा ये. आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट, आरएमएस पावर, ये सारी चीज़ें आरएमएस के फॉर्म में आएगी. तो रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसमें उल्टा चलते हैं. पहले आप क्या कर लो, सारी वेलोसिटी इसका क्या कर लो, स्क्वायर. मतलब मान लो U1, U2, U3 बहुत सारी वेलोसिटीज़ हैं क्योंकि मॉलिक्यूल इधर उधर उधर सब जगह जा रहा है. एन मॉलिक्यूल्स है, सबकी एन नंबर ऑफ वेलोसिटी है, इन सबका स्क्वायर कर लो, ठीक है. स्क्वायर का मीन ले लो. देखो स्क्वायर किया, मीन करने के लिए क्या करते हैं, प्लस और क्या लगा देते हैं, जितने हैं उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड. मान लो एन है यहाँ पर, तो एन नंबर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. और फिर रूट था तो रूट भी चढ़ा दिया. मतलब इसमें उल्टा चलते हैं, पहले स्क्वायर करो, फिर जो स्क्वायर किया है उसका क्या करो, मीन लो, और आखिर में क्या चढ़ा दो, रूट चढ़ा दो, ठीक है. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल, एक और एक्सप्रेशन है, इनको डिराइव भी करना है अपने. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स ऑफ गैस होता है एन इंटू 3/2 आर टी. ये शायद कहीं ना कहीं अपन ने पहले पढ़ा हुआ है. हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 आर टी हो जाएगा ना. डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में करेंगे तो यहाँ पर F लिख सकते हैं ये 3 को. चलो ये तो खैर आपने यूँ लिख लिया, ठीक है. अब डेरिवेशन करें. ये हमारी इक्वेशन थी कौन सी, काइनेटिक गैस इक्वेशन. मतलब ये काइनेटिक गैस इक्वेशन ऊपर वाली को बोलते हैं अपन, और बाद वाली तो ये इसके बस ये इसमें ये वैल्यू को इसको ये बोलते हैं, और ये अलग से चीज बताई मैंने. ठीक है, अब इसके डेरिवेशन के लिए मान लो एक क्यूब के अंदर क्या रखा है, ठीक है. क्यूब है
जिसके अंदर कुछ गैसेस हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अपन यहाँ पर एक ही डायरेक्शन लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, वो किस तरफ मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्स वेलोसिटी से। एम एक सिंगल मॉलिक्यूल है जिसका मास है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, इसका मास एम है और ये इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ की वेलोसिटी क्या है, म्यू एक्स वन है ना। म्यू एक्स वन क्यों लिए, क्योंकि एक इकलौता मॉलिक्यूल नहीं है, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, जैसे म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री, ये सब क्या होंगे, उधर एक डायरेक्शन में जा रहे होंगे, वाई में भी जाएंगे जेड में भी जाएंगे, पर अपन तो एट अ टाइम एक ले लेंगे, जो एक्स के लिए सही होगा वही वाई के लिए सही होगा और वही जेड के लिए भी सही होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो हमारा मोमेंटम रहेगा है ना, इनिशियल मोमेंटम, मान लो ये जाके टक्कर मारता है कहाँ पर, ये सरफेस है, एक मॉलिक्यूल जाके यहाँ टक्कर मारता है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा पी, ये मोमेंटम है, ये क्या है, मोमेंटम प्रेशर में समझना अभी, क्योंकि मोमेंटम भी पी से बताते थे अपन। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये, यू एक्स वन, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ऐसे अनगिनत है, इसलिए अपन एक सिंगल पे फोकस कर रहे हैं, जो पहला वाला है ये वाला, इस पे फोकस कर रहे हैं। टक्कर खाने के बाद क्या होगा, ये पलट के आएगा, जैसे ये मॉलिक्यूल यहाँ पर, ये वॉल है, ऐसा कैसा चलेगा, ये एम म्यू एक्स वन से जाएगा, ठीक है, मतलब एम इंटू म्यू एक्स वन, टक्कर खाने के बाद वापस से क्या होगा, पलट के जाएगा। अब चूंकि वॉल्स कैसी है इसकी, मतलब ये कॉलिजन कैसा मानते हैं, इलास्टिक मानते हैं, तो वेलोसिटी तो वही रहेगी, एम इंटू यू एक्स वन, बाकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, वेलोसिटी नहीं बदलेगी, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी का क्या होता है, लॉस होता था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या होती थी, कंजर्व नहीं होती थी इन इलास्टिक कोलिजन में। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होने का मतलब यही था कि जिस वेलोसिटी से गया, टक्कर खाने के बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे आपने कीचड़ को फेंका दीवाल पे, तो दीवाल पे चिपक जाता है वो, वापस उस वेलोसिटी से नहीं आता है जिस वेलोसिटी फेंका आपने, ठीक है, आटा हो गया उसको फेंका, जब बॉल्स वगैरह जिस टक्कर से मारते हो उसी टक्कर से वो आ जाता है। हालांकि 100% इलास्टिक कोलिजन कोई नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा तो लॉस होता है, पर ये वाले को तो अपन ने परफेक्टली इलास्टिक माना है, ठीक है। तो पी आई इज इक्वल टू एम, अच्छा फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस एम इंटू यू एक्स आई यू एक्स वन, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा पी कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, टू, ये माइनस 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 में आएगा एक्चुअली, टू एम यू एक्स वन हो जाएगा। माइनस तो केवल क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, माइनस को छोड़ दो आप, माइनस क्या बता रहा है कि मतलब फाइनली देखो टकराने के बाद किधर जा रही चीज, इधर जा रही है, तो वो डायरेक्शन वायरेक्शन का खेल नहीं है, अपन सीधे सीधे यहाँ पर केवल क्या निकाल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लगाना है तो तुम लगा लो या फिर बता देना इस तरफ, चेंज चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल क्या है, ये इनिशियल क्या है, ए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और दोनों सेम है इसलिए एक और एक दो, ठीक है। टाइम टेकन फॉर ईच कोलिजन, कितना टाइम लगेगा हर एक कोलिजन के लिए, जैसे मान लो यहां से शुरू किया इसने, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एल, ठीक है, यहां से यहां तक किया। अब इसमें ऐसा अज्यूम है कि जैसे यहां से ये मॉलिक्यूल ये टक्कर मार के वापस से यहां पे आया, इसके बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स था उसके टक्कर को अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, टक्कर मारी और टक्कर मार के वापस उसी जगह पर उसी स्थान पर आया, एल डिस्टेंस गया
ओरल डिस्टेंस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12। तो डिस्टेंस कितना हो गया 12। टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये होता है ना। हाँ ठीक है, तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस कितना हो गया 12, एल गया, एल आया, और म्यू यू एक्स वन क्या है, वेलोसिटी। बोले क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। अच्छा अब यहाँ पर आपने क्या माना था, एक चीज़ पहले ही निकाल ली थी, यू स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 3 times यू एक्स का स्क्वायर था कि नहीं, कहाँ से लाए थे ये वैल्यू, अभी पेज पलटो, दो तीन पेज पलटने पे तुमको समझ में आ जाएगा, तुमने नोट किया था तो ठीक है। मतलब ये हमने बोला था कि u इज इक्वल टू होता है क्या, यू एक्स आई कैप यू वाई जे कैप प्लस यू जेड के कैप, और फिर हमने बोला बताया था कि यू एक्स इज इक्वल टू यू वाई इज इक्वल टू यू जेड होता है, और इस तरीके से मॉड u जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस यू जेड का स्क्वायर, और ये तीनों वैल्यू पुट करने पर मॉड u ठीक है इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ 3 म्यू एक्स का स्क्वायर। अब इसका रूट हटा के इस पर चढ़ा देंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यू एक्स का स्क्वायर। क्लियर है, यहीं से आया ठीक है। तो जबकि वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी के 3 गुना हो गई, क्योंकि उसमें एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट है ना। चलो अब नेक्स्ट है आपका फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल। फोर्स क्या होता है बताओ, न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन। हाँ फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल, फोर्स कितना होता है, डीपी बाय डीटी होता है, ये तो पढ़ा हुआ है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी पता है और डेल्टा टी पता है, दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट करने पर क्या आ रहा है, डेल्टा पी तो ये रहा 2 into m u x 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अपॉन में 1 कर दो पहले ही, अपॉन में डेल्टा टी कितना है 2 into l upon में u x 1 ठीक है। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और x1 का स्क्वायर ये कटेगा नहीं है, x1 मत काट देना, m अपॉन n इंटू यू एक्स का स्क्वायर, समझ गए क्या, करके तो बताने की जरूरत नहीं है, नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाती है ठीक है। अब यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से यू एक्स स्क्वायर कितना होगा, यू स्क्वायर बाय 3 होगा क्या, ठीक है तो ये वैल्यू पुट कर दो, यहां पर मिलेगा m बाय n m बाय l ठीक है। ये क्या निकाल रहे हैं आप, फोर्स निकाल रहे हो ना, ये सब क्या निकल रहा है, फोर्स, ये हो गया m बाय l इंटू यू एक्स स्क्वायर की वेलोसिटी u स्क्वायर बाय 3। बोलो क्लियर है, u1 लिख लो क्योंकि अपन ने किसका कंसीडर किया है, केवल पहले मॉलिक्यूल का ही क्या है सब कुछ, ठीक है यू एक्स स्क्वायर पुट किया ना पहले, यू एक्स स्क्वायर का यू स्क्वायर बाय 3 ठीक है। यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे तो चिपकाई है यहाँ पे, ये ले जाके उसको रख दिया। अच्छा ये किसके कारण था, फोर्स ड्यू टू वन मॉलिक्यूल, ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे, तो सबके फोर्स क्या होंगे, प्लस होंगे, मतलब जैसे m बाय l u1 स्क्वायर बाय 3, अगर मैं f टोटल निकालूं तो क्या निकलेगा, सबका मास तो सेम है, लेंथ भी सेम है, u2 स्क्वायर बाय 3 प्लस m बाय l u3 स्क्वायर
बाय थ्री ऐसा करते करते एन मॉलिक्यूल है, तो सबसे लास्ट वाला मॉलिक्यूल के क्या आएगा, एम बाय एल यू एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री। आया समझ में? एफ टोटल कितना हो जाएगा, एम बाय थ्री एल तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर डेज डेज एस यू एन का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेते आ जाएगा। और ये चीज क्या बताई थी मैंने, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में एक चीज की कमी है, यहाँ पर किसकी कमी है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या था, यू आर एम एस, हाँ यू आर एम एस क्या था, यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर ऐसे करते करते यू एन का स्क्वायर अपॉन में एन था, और यहाँ क्या चढ़ा था, रूट। ठीक है, अब ये रूट गया तो किधर चला गया, इधर से रूट हटा तो इधर क्या कर सकते हैं अपन, स्क्वायर कर सकते हैं। और म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर म्यू एन की वैल्यू थी, जो एन को इधर भेज सकते हैं क्या, ये एन को इधर भेज दिया तो ये वैल्यू आ गई, म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू यू वन स्क्वायर प्लस यू टू स्क्वायर प्लस यू थ्री स्क्वायर यू एन स्क्वायर की वैल्यू एन टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, मतलब ये पूरा यहाँ से ही हटा के क्या लिख दूंगा मैं, एन टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, नहीं आया आ रहा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर एम एस वैल्यू अपॉन में एन नहीं था तो एन उधर ले गए और इधर रख दिया, उसके अपॉन में एन था ही नहीं तो अपन ने क्या कर दिया, एन से मल्टीप्लाई इधर लेके गए तो एन एन टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर आर एम एस बता दिया उसको। आसान है ये, ठीक है। अच्छा, अपने को प्रेशर निकालना है, क्या निकालना है, प्रेशर और फोर्स किससे रिलेटेड होते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, हमने पढ़ लिया था इसके पहले, हमने जो चैप्टर पढ़ा था है ना प्रेशर वाला। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या एरिया क्या होता है, अपन मान लेते हैं ये क्यूब है तो इसका भी लेंथ एल है, ये भी क्या है एल, तो एल इंटू एल एल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू हो गया क्या, लेंथ का स्क्वायर, प्रेशर इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दो फोर्स, ये एफ टोटल बोल रहा हूँ मैं पर है तो एफ ही है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ एफ टोटल, यहाँ भी लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कितना हो जाएगा एम अपॉन थ्री एल, एम अपॉन थ्री एल यू स्क्वायर आर एम एस और अपॉन एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर करेंगे तो एल क्यूब आएगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल स्क्वायर अपॉन में वन, वन ऊपर जाएगा और एल स्क्वायर एल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, डायरेक्ट लिख दूँ थ्री इंटू एल क्यूब, नहीं आया, आएगा एल क्यूब कैसे आया, एल स्क्वायर और एल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक एल था और एरिया का स्क्वायर एल स्क्वायर, एल स्क्वायर और एल एल क्यूब हो गया, एल क्यूब क्या होता है वॉल्यूम होता है, तो पी इज इक्वल टू कितना हो गया, मास अपॉन थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम यू स्क्वायर आर एम एस, वी को उधर ले गए तो पी वी इज इक्वल, अच्छा ये एन भी चल रहा था ना, पी वी इज इक्वल टू एम इंटू एन टाइम्स ऑफ वन बाय थ्री यू स्क्वायर आर एम एस, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, आ गया, ठीक है, हटा दें इसको,
अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं हम? हो जाएगा, याद हो जाएगा पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो क्या किया हमने? अल्टीमेटली हमको क्या निकालना था? प्रेशर निकालना था। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स क्या होता था? चेंज इन मोमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो कुल मिला के हम ये सब तो पुट कर रहे थे, है ना, मतलब ये वाली चीज़ तो अपन लिख लेते हैं। बाइक फोर्स निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी थी? ये वाली मोमेंटम की। और टाइम तो टाइम की भी ज़रूरत पड़ी, मोमेंटम निकाला। ठीक है, दोनों मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, चेंज इन मोमेंटम आ गया। और कोलिजन था, एल इधर गया, एल इधर गया, 2L अपॉन में UX, वो उसका क्या बन गया? टाइम। दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये फोर्स आ गया हमारा। फोर्स की वैल्यू आपने फाइनली यहाँ पे रख दी। एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर और एक एल मिल के एल क्यूब हो गया, वो वॉल्यूम बन गया। वी उधर चला गया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स एम एन म्यू स्क्वायर आर एम एस, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं? एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसी की बताओ, क्या होगी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी? नहीं, एक मॉलिक्यूल, जैसे ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, अभी एक मॉलिक्यूल की सिंगल की काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला, हाफ इसका मास एक मॉलिक्यूल का, और वी क्या है? यू एक्स वन का स्क्वायर, क्योंकि एक डायरेक्शन में चल रहा है ना। ऐसे दूसरा मॉलिक्यूल की क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या हो जाएगी? हाफ एम प्लस हाफ एम, ठीक है, 1/2 हाफ, है ना, यू एक्स एन। वो 1/2 m कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो गया यू स्क्वायर एक्स वन, यू स्क्वायर एक्स टू, यू स्क्वायर एक्स थ्री प्लस एस 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 यू स्क्वायर एक्स एन। ये वैल्यू क्या है? अभी तुमको सिखाया था एन टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर आर एम एस थी, एन टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर आर एम एस, ठीक है, अपॉन में एन नहीं था इसमें, तो अपन ने क्या कर दिया? एन उधर लगा दिया। आता है वैल्यू पुट करते नहीं? आया अरविंद को तो कुछ समझ आ नहीं रहा होगा, आ गए थोड़ा थोड़ा, तो क्या पूरा आ रहा है ना तुमको? तो समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ। ये इससे इजी कुछ भी नहीं है, मतलब अपना सीधे सीधे चलते जाना है, इसमें प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आ जाएगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी दोनों का रेशियो निकालो। ये काइनेटिक एनर्जी है, और एक इक्वेशन क्या था देखो, पी वी इज इक्वल टू 1/3 m n यू स्क्वायर आर एम एस था ना, यही था। इन दोनों को जरा डिवाइड करना, डिवाइड करना, करने में क्या कैंसिल हो जाएगा? ये पूरा और ये पूरा तो कैंसिल होते दिख रहा है मुझे, 3/2 हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन पीवी इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/2 आया, आ गया। ये इक्वेशन डिराइव की थी ना अभी, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, पीवी को उधर लेगा तो क्या हो जाएगा? 3/2 टाइम्स ऑफ पीवी हो जाएगा, और पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। यहाँ पुट कर लो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 3/2 एन आर टी, यही हमने लिखी थी शुरू में। ठीक है, अगर एक मोल की बात करेंगे तो एन कितना रख देना? 1। ठीक है, फॉर वन मोल, फॉर वन मोल एन इज इक्वल टू हो जाएगा 1, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ
आर टी फॉर वन मोल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 टाइम्स ऑफ आर टी। ठीक है, जनरली ये जितने भी डेरिवेशन किए अपन ने आइडियल गैस के लिए किए, किसके लिए किए, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी किस पे अप्लीकेबल था, आइडियल गैस और रियल गैस दो थी गैसेस, है ना, आइडियल गैस को रियल गैस के बीच में कुछ गैप भी थी जो हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, वहाँ पे कुछ जेड एक टर्म पढ़ी थी आपने, हाँ, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है ना, उससे कंपेयर भी किया था आपने। अच्छा, एन मॉल के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये तो ये हो जाएगी, है ना। अच्छा, यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है सबसे पहली चीज, तो यहाँ पे गड़बड़ है और एन मॉलिक्यूल लिख लेना। एन अपन ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिए, एन क्या लिए, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वन मोल के लिए कितना हो जाएगा, ये थ्री बाय टू आर टी अपॉन एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर लें, वन मोल के लिए एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो, डिवाइड। एवोगैड्रो नंबर एक मोल में, एक मोल में कितनी क्वांटिटी होती है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, है ना, तो जितने मोल है मतलब जितने मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को किससे डिवाइड कर लो, 6.023, तो एक का पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी जो थी एक मॉलिक्यूल के लिए थी, आपने क्या कर लिया, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थी, एक मोल की निकालनी है आपको, तो आपने एन ए से क्या कर लिया, डिवाइड। आर अपॉन एन ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, जिसको अपन के बी से बताते थे, के बी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल इतना होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रूप में। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, के बी का वैल्यू होता है, ये कांस्टेंट होता है ना, 1.38 × 10²⁷ जूल पर केल्विन। ठीक, तो ये पूरा फाइनल डेरिवेशन यहाँ जाके खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ डाली हेडिंग, पहले मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन लिख लो। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। ठीक है, जैसे क्या है, ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये इसने इसको टक्कर मारी, फिर मॉलिक्यूल ने इसको टक्कर मारी, इधर टक्कर मारी, इधर टक्कर मारी, ऐसा चलता रहता है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन बनती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन
टू सक्सेसिव कॉलिजन है ना। जैसे मान लो इसने इसको टक्कर मारी, तो पहली टक्कर जो हुई कितने के बाद हुई है, लेमडा वन डिस्टेंस के बाद हुई है। दो सक्सेसिव का मतलब ऐसा मान लिया आपने लेमडा पहले के बाद ये दूसरा छोड़ के, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस चला ये लेमडा वन। सिमिलरली क्या डिस्टेंस चला ये छोड़ के, ये लेमडा टू, ये छोड़ के क्या लेमडा थ्री, ये छोड़ के क्या लेमडा फोर, ऐसा चल रहा है ये, ठीक है। अल्टीमेटली वो कोलाइट कर रहा है, तो कोलाइट अब अच्छा ये कभी ये दूरी कम होगी, कभी किसी की ज़्यादा होगी, तो ऐसी चीज़ों में अपन क्या लेते हैं फिर चीज़ों का एवरेज लेना पड़ता है। तो मीन फ्री पाथ को अपन लेमडा से बताते हैं, लेमडा वन प्लस लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री, ऐसे करते करते जितने भी इसने टक्कर मारे हैं उन टक्कर का डिवाइड, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, मतलब इसका सीधे एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, वो दिया है वन अपॉन एन टाउ इज इक्वल टू, आपकी एनसीईआरटी ने टाउ दिया है ना, लेमडा और टाउ दोनों लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू वन अपॉन एन पाए एवरेज वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ये टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, ये टाइम है ना, ये टाइम है, दिस इज द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन है ना, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो टाइम है वो है ये। लिखा हुआ है,